तो दोस्तों आईपीएल की स्क्रिप्ट ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है भाई। चेन्नई सुपर किंग्स ने हार का सामना किया है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। भाई एक तरफ चेन्नई जो कि धड़ाधड़ प्लेऑफ्स की ओर बढ़ रही थी, उसे गुजरात टाइटंस ने मात दे दी है, वो भी 35 रनों से। भाई इसी के साथ न सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, बल्कि आरसीबी का भी अभी ऑप्शन बचा हुआ है प्लेऑफ्स के लिए। और अभी एलिमिनेटर का जो टैग है वो तो गुजरात के सामने भी नहीं लगा है। गुजरात और आरसीबी आप देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल में 10-10 अंक है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंक के साथ भाई पांचवे और छठे पायदान पर बैठी हुई है। वेल, जहां तक बात है आज के मुकाबले की, तो भाई टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले गेंदबाजी करने का तो फैसला किया, लेकिन उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने में सक्सेसफुल नहीं रहे। भाई आज गेंदबाजी का ऐसा लचर प्रदर्शन हमने देखा है, जहां मात्र 2 विकेट आए, वो भी तुषार देशपांडे के हाथ में। भाई गुजरात का टॉप ऑर्डर आज क्या खेला है। भाई साई सुदर्शन, जिनके बल्ले से न जाने कितने दिनों से मैं सोच रहा था कि बड़ी पारी आएगी, आज फाइनली उन्होंने 51 गेंदों में 103 रन ठोके हैं और उन्हें भरपूर समर्थन मिला है कप्तान शुभमन गिल का, जिन्होंने 55 गेंदों में 104 रन की शानदार पारी खेली और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 210 रनों की पहले विकेट के लिए साझेदारी करी है, which is big। भाई दूसरा विकेट तब जाके गिरता है जब टीम का स्कोर होता है 213। दोनों ही अनफन में आउट होते हैं तुषार देशपांडे की गेंद पर, जिसके बाद डेविड मिलर और शाहरुख खान, जो कि उनसे एक्सपेक्टेड था कि गेम को फिनिश किया जाए, वो हमें देखने को नहीं मिला। शायद ये स्कोर थोड़ा और ज्यादा जा सकता था, लेकिन डेविड मिलर 11 गेंदों में 16 और शाहरुख 3 गेंदों में 2 रन बना पाए और टीम का स्कोर पहुंचा 231 रन फॉर 3 विकेट। शाहरुख खान भी आखिरी गेंद पर रन आउट हो चुके थे। अब इस विशाल काय लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई, जितना लचर प्रदर्शन अपनी गेंदबाजी में कर दिखा रही थी, उतना ही खराब गेम इनके टॉप ऑर्डर ने खेला। भाई अजिंक्य रहाणे न जाने क्यों इनको ओपन कराया जा रहा है। क्या अजिंक्य रहाणे को भाई सीएसके की टीम सुनील नारायण समझती है? वेल, इस बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या अजिंक्य रहाणे को ओपन कराना चाहिए? डेरिल मिचेल की पोजीशनिंग भी आप चेंज करते रहते हैं, इस बार डेरिल मिचेल को ऊपर भेजा और उन्होंने अपना 100% दिया, 34 गेंदों में 63 रन बनाए, लेकिन तब तक भैया गेम जो है वो ऑलमोस्ट सीएसके के हाथ से निकलती दिखाई दे रही थी। क्यों भाई? रहाणे 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे, रचिन रविंद्र को मौका मिला लेकिन वो 2 गेंदों में 1 रन बना पाए, ऋतुराज गायकवाड आज भाई ओपन की जगह वो फर्स्ट डाउन आए और भाई 3 गेंदें खेली बिना पखाता खोले वापस पवेलियन लौटे। टॉप 3 बल्लेबाज भाई आनंद फानन में आउट हो जाते हैं, रचिन रविंद्र रन आउट होते हैं डेविड मिलर की सौगात, अजिंक्य रहाणे को संदीप वॉरियर ले डूबते हैं, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड का विकेट उमेश यादव आज चटकाते हैं। इसके बाद पारी थोड़ा सा संभलने की कोशिश करती है, जहां डेरिल मिचेल ने 34 गेंदों में 63 और मोइन अली ने 36 गेंदों में 56 रन बनाए। यहां पर चेन्नई की टीम संभलने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन इस बार मोहित शर्मा की गेंदबाजी में हमने धार देखी, दोनों सेट हुए बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा, जिसके बाद भाई चेन्नई की पारी लड़खड़ाती नजर आई। शिवम दुबे 13 गेंदों में 21 रन बना पाए, इसके बाद रविंद्र जडेजा भी 10 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर आते हैं भाई हमारे एमएस धोनी, जिनका एक ही काम है छक्के चौके मारना, 11 गेंदों में भाई 26 रन बटोर कर, जिनमें 3 छक्के और 1 चौके शामिल था, एक हैप्पी एंडिंग करते हुए गुजरात के मैदान में सभी को खुश करके चलते बने। अब यहां पर दोस्तों जो सिनेरियो बनता है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। फटाफट से हम नजर डालते हैं इनके नीचे, यानी कि चेन्नई के नीचे बैठी टीम्स पर। चेन्नई की अगर आप बात करते हो तो भाई चेन्नई को अब अपने 2 मुकाबले खेलने हैं आरआर और आरसीबी के खिलाफ। यहां पर एक भी मुकाबला अगर हारती है तो डामाडोल स्थिति हो जाएगी, अगर आरआर से हारेगी तो भैया बेंगलुरु के खिलाफ जो इनका मुकाबला होगा वो नॉकआउट मैच हो सकता है, वो तब होगा जब बेंगलुरु अपने दोनों मैचेस जीतती है। फिलहाल इनके नीचे बैठे हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली को 2 मुकाबले खेलने हैं भाई, एक मुकाबला आरसीबी के खिलाफ उन्हीं के घर में और फिर मुकाबला खेलेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। लखनऊ को भी एक मुकाबला दिल्ली के साथ साथ खेलना है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। अभी हाल फिलहाल 3-4 टीम्स एक दूसरे की हार और जीत के साथ बंधी हुई है। दोस्तों क्या लगता है चौथे पायदान पर कौन सी टीम आएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाता हूं लगाम, तमाम अपडेट्स आपको सीएलजी पर मिलती रहेंगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।